हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ब्लाउज कटिंग करेंगे और इसके लिए हमने ये एक फैब्रिक ले लिया है, उसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। मैंने फोल्ड साइड अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड बाहर की तरफ। और यहाँ सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो भी हमारा इस तरफ जो फैब्रिक बचा है ये लगभग 1.5 इंच का है और ये बॉटम लौटने के काम आता है। ये यहाँ से लाइन से और हम ये लेंथ ले लेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच है और इसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो हमने 45 इंच का एक मार्क लगा लिया है। अब हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर हमारे 6 इंच के हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके हो उतना ले लेना। मेरे 6 इंच के शोल्डर लिए मैंने और यहाँ एक लाइन खींच लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो भी शोल्डर होते हैं उससे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं हर मोल। तो हमारे शोल्डर थे 6 इंच और हमने हार मोल लिए हैं 6.5 इंच। और यहाँ ये लाइन हम पॉइंट से मिला लेंगे, ये निशान से आपस में निशान मिला लेंगे इस तरह से। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 36 इंच है। तो 36 इंच फाइनल 36 इंच है। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। चेस्ट हमारा जो भी होता है उसका हम चौथाई भाग लेते हैं। इसका हमने 9 इंच ले लेंगे और यहाँ एक मार्क कर लेंगे। 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। 2 इंच का मार्जिन आ गया। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। और यहाँ हम ये निशान मिला लेंगे आपस में। अब हम कमर ले लेंगे। कमर हमारी 28 इंच है। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 इंच बचेगा। और इसमें भी कमर में भी हम जो भी हमारा फाइनल होगा, हमारी जो भी माप होगा उसका हम 1/4 भाग लेते हैं। तो हमारा 28 इंच कमर है और हम इसका 7 इंच ले लेंगे। ये मैं 7 इंच पे एक मार्किंग कर लूँगी। 7 इंच पर निशान लगा लिया। और जो कि हम बॉटम पे एक प्लेट डालते हैं डार्ट, उसको वो 1.5 इंच की डालते हैं। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है इसमें। और 2 इंच जैसे कि मार्जिन के लिए ऊपर लिया है चेस्ट पे, वही 2 इंच हमने ये ले लिया है यहाँ भी। और ये सारे निशान हम आपस में मिला लेंगे। निशानों से हमने निशान मिला लिए। इस तरह से हमने निशान मिला लिए। अब हम हार मोल शेप दे देंगे। यहाँ हमने 1.5 इंच ले लेंगे। अगर हमारा फ्रंट पार्ट होता तो हम उसके लिए हम 1 इंच लेते हैं। ये यहाँ एरो का निशान बनाएंगे और इस तरह से हार मोल शेप दे देंगे लगभग 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक हमारा, हम ये फाइनल जो हमारा नेक होता है जनरली वो हम 2.75 इंच का रखते हैं। आप चाहें तो 2.5 इंच का भी रख सकते हैं। 2.5, 3, 2.75 इस तरह से हम रखते हैं। और गहराई हमने ले ली है 6 इंच। यहाँ से भी हमने 2.75 इंच का एक लगा लिया है, ले लिया है। और इन निशानों को मिला लेंगे, एक बॉक्स जैसा बना लेंगे
और ये निशान लगा लेंगे, गोलाई दे देंगे नेक की, अब कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ये उसके ऊपर हमने बैक पार्ट को रख लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ 1/2 इंच नीचे के साइड एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारी ये प्लेट्स पड़ती है उसमें मैनेज हो जाता है, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। और चेस्ट पे भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ से। फ्रेंड्स, कमर पे हम कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे, सिर्फ हमें चेस्ट पे और बॉटम पे लेना होता है। इस तरह से हमने ये मिला दिया है निशान को। बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट हम थोड़ा गहरा रखते हैं। ये 1/2 इंच हमने मार्किंग कर ली है, 1/2 इंच अंदर की तरफ। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे नेक की, तो हमने इसको भी 6 इंच लिया है। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मैंने 6 इंच के लिया है, मार्किंग कर ली है। और यहाँ से हम 1/3 इंच लेंगे और यहाँ से भी 1/3 इंच का निशान लगा लिया है। ये निशान मिला लिए हैं हमने। अब ये नेक की गोलाई दे देंगे इस तरह से। नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये हार मूल की भी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा बॉटम था, बॉटम के लिए जो हमने फैब्रिक लिया था मार्जिन के लिए, वो हमने निशान लगा लिया है। बाकी हम 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था बटन पट्टी में जो मार्जिन जाता है, वो हमने ले यहाँ निशान लगा लिया है। अब हम डाट की जो मार्किंग है वो करेंगे, प्लेट्स पड़ती हैं डाटे, उसकी मार्किंग करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो बॉटम पे पड़ती है प्लेट्स, उसकी मार्किंग करेंगे। और ये 1/2 इंच शोल्डर पे जो हमारी सिलाई में चला जाता है, 1/2 इंच छोड़ के अब हम डाट के निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 11 इंच पे निशान लगा लिया है, ये 11 इंच हमने ले लिया है। और यहाँ से
4 इंच ले लेंगे। ये सबसे पहले डार्ट हमारी पड़ गई जो बॉटम पे हम डालते हैं 1.5 इंच वाली। ये हम सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से यहाँ से हम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे डार्ट। इस तरह से ये निशान लगा लेंगे आपस में तिरछा करके फंडी को, और ये निशान लगा लेंगे। अब हम इस डार्ट से हम सारी डार्टें 2-2 इंच की डालेंगे। 2 इंच की डार्टें हम डालेंगे। ये हमने 2 इंच पे निशान लगा लेंगे जी। ये फंटी को तिरछा करके और ये निशान लगा लिया है मैंने। अब 2 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से। तिरछा करके इस तरह से आइए निशान लगा लिया है। दो इंच पे अब एक निशान और लगाएंगे। ये चाहे तो आप लगाएं या ना लगाएं, पर मैं लगा लेती हूँ 2 इंच पे। ये प्लेट्स ले लेंगे। अब ये हम 1/2 इंच की सारी प्लेट से ले लेंगे और ये तिरछा करके सारे निशान लगा लेंगे, आपस में मिला लेंगे। ये एक ही प्लेट सिर्फ हमें 1.5 इंच की डालनी होती है, बाकी सब 1/2 इंच की डालनी होती है। ये सारी प्लेट्स हमारी 1/2 इंच की रहेंगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ये हमने सारी प्लेट्स 1/2 इंच की ले ली। ये आपस में निशान मिला लिए हैं। इस तरह से हमारी सारी प्लेट्स पड़ गई हैं। इस तरह से हमारी सारी प्लेट्स पड़ गई है, और इसी निशानों को हम दूसरी साइड भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। और ये हमारा जो जुड़ा हुआ था सामने से, इसको हम कट कर लेंगे।
ये हमने दोनों साइड प्लेट के निशान लगा लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पेज कटिंग हो गया है। ये बैक पार्ट है, इसका हमारा नेक नहीं कटा था, इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट में अब हम प्लेट डालेंगे। यहाँ से हमने 4 इंच का निशान लगा लिया है। ये एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये 1.5 इंच का 1.5 इंच की प्लेट लेंगे। 1.5 इंच का हमने निशान लगा लिया है और कंटी को तिरछा करके ये निशान आपस में मिला लेंगे। इधर से भी इस तरफ से भी हम कंटी को तिरछा करके और ये सीधे वाले निशान से मिला लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये हमारे फ्रंट पार्ट है, ये देखिए। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये फ्रंट फ्रेंड्स, कहीं मिस्टेक हुई हो तो अगली वीडियो में आप कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।